हाय फ्रेंड, फिर से आपका एक क्लासेस में एक बार स्वागत है। हम सब सर्विस कनेक्शन पढ़ रहे थे। अब सर्विस कनेक्शन में केबल तक डायरेक्ट केबल कैसे जाएगा उसके बारे में आप जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तब देखिए, मान लीजिए कंज्यूमर का हो गया भवन, ठीक। अब कंज्यूमर का भवन मान ले रहे एक मंजिला है, ठीक, एक मंजिला है, जान लीजिए। मान लीजिए कंज्यूमर से जो पोल की दूरी है वह 15 मीटर से कम है, 15 मीटर से कम है। ये मान लीजिए धरातल है। क्या है भाई? धरातल है, ठीक। और कंज्यूमर का ये जो भवन है, भवन से दूरी 15 मीटर से कम है, 15 मीटर तक है या 15 मीटर से कम, और लोड 20 किलोवाट से कम है तो जान लीजिए हम डायरेक्ट केबल मेथड लेके जाएंगे। अगर पोल की दूरी भवन से कंज्यूमर के 15 मीटर तक या 15 मीटर से कम है तो हम डायरेक्ट केबल लेके जाएंगे। अब मान ले रहे हैं कि भाई ए आर फेज है, ए वाई फेज है, ए बी फेज है, ए न्यूट्रल है। आर फेज, वाई फेज, बी फेज, न्यूट्रल का इसे अर्थ है। और ये सब किस पर है? साइकिल इंसुलेटर पे है। मान रहे हैं क्या है भाई? ये सब साइकिल इंसुलेटर पे है। यहाँ दिखा दीजिए आप कि भाई ये साइकिल इंसुलेटर है, साइकिल इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक। और ये सब फेज वायर है। अब कंज्यूमर का भवन नीचे है पोल से, तो भाई हम यहाँ पे क्या काम करें कि ये माइल्ड स्टील का एंगल ले लें, जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं, ठीक। अब माइल्ड स्टील का एंगल ले लेके लेकर अब आप जानते हैं कि सिंगल की माप होती है 50 × 50 × 6 mm का एंगल। ये लगभग 3 या 3.5 मीटर का होता है। तो अब ये दीवार टिकाने के लिए हम रैग बोल्ट का प्रयोग करते हैं। दीवार टिकाने के लिए रैग बोल्ट का प्रयोग करती है। यहाँ भी बोल्ट रहे, चलिए नट रहे, प्रयोग कर दिए। चलिए दो रैग बोल्ट लगा के दिखा दे रहे हैं। तो दीवार में रहेगा रैग बोल्ट, ऐसे थोड़ा सही बना दीजिए, इस प्रकार है, ऐसे बोल्ट लगा दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आई बोल्ट लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? आई बोल्ट, क्योंकि हमको डायरेक्ट केबल लेके जाना है, एक यहाँ पे हम आई बोल्ट लगा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक, आई बोल्ट। और एक यहाँ पे आप अर्थ वायर क्लैंप ले लीजिए। क्या ले लीजिए? अर्थ वायर क्लैंप। अर्थ वायर क्लैंप को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, और अर्थ वायर को यहाँ से ऐसे आप खींच लीजिए। ये कौन सा वायर है? अर्थ वायर है, इसे हम कह रहे हैं अर्थ वायर। थोड़ा बड़ा लेते जिससे देखने में अच्छा सा स्पष्ट हो। ये क्या है? अर्थ वायर। क्या है भाई? अर्थ वायर। ये जानते हैं कि इसकी माप क्या होती है? 6SWG का जी आई तार होता है, 6SWG का जी आई तार होता है, ठीक। अब आइए चलते हैं, चलते हैं आइए देखते हैं कि फिर जो हमको डायरेक्ट केबल पहुंचाना है। तो मान ले रहे हैं यहाँ कंज्यूमर का एनर्जी मीटर है। क्या है? एनर्जी मीटर है। यहाँ से हम डायरेक्ट केबल निकालेंगे
डायरेक्ट केबिन में क्या लेंगे, ठीक डायरेक्ट केबिन लेकर चलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट केबल को ऐसे एंगल से होते हुए ये पहुँच जाएंगे यहाँ एंगल तक जहाँ आई बोल्ट है, ऐसे ये भी यहाँ आई बोल्ट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और फिर वो अर्थ वायर के सहायता से आगे तरफ लेकर चले जाएंगे उल्टे पास तक। किसकी सहायता से? अर्थ वायर की सहायता से हम यहाँ चले जाएंगे। अब केबल को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं डार्क द्वारा, ये क्या है भाई केबल है, यहाँ कैसे दिखा दिए, चलिए केबल को ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये केबल है, क्या है यार केबल, ये केबल है ठीक। अब केबल नीचे छू जाएगा तो अर्थ वायर से हम क्या करेंगे ऐसे बांध देंगे कटीले तार द्वारा, हार्ड आयरन का तार रहता है लोहे के तार द्वारा ऐसे बांध देंगे जिससे केबल नीचे गिरने नहीं पाए। अब यहाँ पे ये दीवार से होते हुए गया, यहाँ पे भाई केबल को थोड़ा क्लाइंट द्वारा लगा के दीवार में सेट कर देंगे जिससे केबल गिरने ना पाए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक निकालेंगे भाई आर फेज का वायर, आर फेज में जोड़ दो, एक निकालिए वाई फेज का वायर, वाई फेज में जोड़ दो, एक बी फेज का वायर निकालिए बी फेज जोड़ दीजिए, एक न्यूट्रल का अर्थ वायर का वायर निकालिए इसमें जोड़िए। अब आपको पता है सब फेजों में एरियल फ्यूज रहता है तो सब में एक एक एरियल फ्यूज लगा दीजिए, जितने फेज हैं जिस फेजों में एरियल फ्यूज लग गया। अब इसे हम कह रहे हैं ये क्या है भाई एरियल फ्यूज, इसे हम कह रहे हैं एरियल फ्यूज। चलिए ये क्या है भाई एरियल फ्यूज है। अब ये हो गया हमारा जुड़ गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं ऐसा कनेक्शन हम कब करेंगे, ऐसा कनेक्शन तब किया जाएगा जब कंज्यूमर के भवन से मान लीजिए हमारे घर से पोल की दूरी 15 मीटर हो या 15 मीटर से कम हो तो डायरेक्ट हम अपना केबल ले जाएंगे पोल तक कनेक्शन करा देंगे। और यह भी याद रहे कि लोड 20 किलोवाट से कम होना चाहिए, अगर लोड जैसे ही 20 किलोवाट से ज़्यादा होगा तो आप जान लीजिए तब हम वो ओवरहेड न तो खुला वायर लेके आएंगे न तो डायरेक्ट केबल पहुंचाएंगे। 20 किलोवाट से लोड ज़्यादा है तो पोल से होते हुए हम केबल अंडरग्राउंड से होते हुए उपभोक्ता के एनर्जी मीटर तक पहुंचा देंगे। देखिए ये सब आपको इसलिए चित्र बना के बताया जा रहा है क्योंकि इससे तीन या चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बताया जिससे आपको सवाल पता है। जैसे इसमें ये पता है भाई कि अगर उपभोक्ता भवन एक मंजिला है डायरेक्ट केबल जाएगा तो क्या क्या समय भी लगेगा, तो आपको पता है यह केबल यहाँ पर हम जो केबल यूज करते हैं पीवीसी केबल यूज करते हैं ज़्यादातर, तो पीवीसी ये केबल पीवीसी केबल और पीवीसी केबल की जो माप होगी वो हम एक माप इलेक्ट्रिकल का जो रूल है इलेक्ट्रिक का जो रूल है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का जो रूल है उसके आधार पर हम टेबल के माध्यम से देख लेंगे। और यह केबल की जो मोटाई होगी या माप होगी वह करंट के आधार पर निर्धारित की जाए, जैसा लोड होगा वैसा करंट होगा। तो आइए देखते हैं अगर लोड 20 किलोवाट से ज़्यादा हो जाए तब कैसे हम कनेक्शन करेंगे। तो देखते हैं मान ले रहे हैं, चलिए इसे थोड़ा हटा दें जिससे चित्र बनाने में सर्किट डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत न हो। तो मान ले रहे हैं हाँ एक बात और जान लीजिए उसमें दिखाया गया एक मंजिला अगर भवन है तो उधर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कंज्यूमर का भवन बहुमंजिला हो जैसे मान लीजिए धरातल हो गया, ये क्या हो गया धरातल ठीक। अब ये कंज्यूमर का ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये कंज्यूमर का ग्राउंड मान लीजिए भवन है और यहाँ कंज्यूमर का क्या है एनर्जी मीटर है ठीक है एनर्जी मीटर है। और कंज्यूमर का मकान तो पता है एक मंजिला से ज़्यादा है तो जैसे यहाँ दिखाते हैं मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे पोल है, क्या है भाई पोल है, यह हो गया पोल
ठीक, थोड़ा चौड़ाई कम कर दीजिए। ये देखिए, मान लीजिए पीसीसी पोल है या आरसीसी पोल है, हमने पोल यहाँ दिखा दीजिए, ये क्या है भाई, पोल है। अब इसके बाद क्या होगा, और इस पे आर फेज, वाई फेज, बी फेज, न्यूट्रल गया है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल का अर्थ। अब यहाँ पर जान रहे हैं साइकिल इंसुलेटर लगा दिए, ठीक। अब कंज्यूमर का मकान अगर वो जिला है, सबसे पहले हम यहाँ पर आई रायबोर्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आई रायबोर्ड। तो यहाँ पर आई रायबोर्ड लगा दीजिए, दीवार में सेट कर दीजिए, ये है आई रायबोर्ड, आई राइड बोर्ड, ठीक। अब एक यहाँ पर हम अर्थ वायर क्लैंप लगाएंगे, अर्थ वायर क्लैंप को थोड़ा ऐसे दिखा दीजिए, और यहाँ से अर्थ वायर को खींचिए, ले जाइए आई राइड बोर्ड में जोड़ दीजिए। तो भाई ये हो गया अर्थ वायर, ये है अर्थ वायर, ठीक, अर्थ वायर हो गया। और ये तो आपका जान रहा है साइकिल इंसुलेटर है, क्या है, साइकिल इंसुलेटर है। बार बार हर चीज की चीजें बताई जाए जिससे आपको हर चीज याद हो जाए, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, केबल ले जाएंगे, कंज्यूमर के एनर्जी मीटर से केबल निकालेंगे, ये ऐसे एक केबल निकालिए, सीधे ले जाइए आई लाइट बोर्ड तक, सीधे ले जाइए आई लाइट बोर्ड तक, वहां से अर्थवायर के माध्यम से होते हुए आ जाए पोल तक। तो भाई अर्थवायर के माध्यम से आ गए एल टी पोल तक, यह है केबल भाई, केबल थोड़ा हम ऐसे दिखा दे रहे जिससे पता चले कि केबल ही है, ठीक। अब केबल को ऐसे दिखा दिया गया, ये चित्र इस प्रकार बताया जा रहा है जिससे कोई भी क्वेश्चन आए आपको चित्र बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ केबल दीवार से हट सकता है, तो भाई हम क्या करते हैं, क्लैंप लगा दें बीच बीच में जिससे केबल गिरने न पाए, और इसको थोड़ा आयरन के, हार्ड आयरन के तार द्वारा इसको जोड़ के या जॉइंट कर दें जिससे केबल नीचे न आए अर्थवायर से। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे आर फेज, फिर निकालेंगे वाई फेज, फिर निकालेंगे बी फेज, फिर निकालेंगे इसे सिवाय हम न्यूट्रल वायर, ठीक। अब आप सभी को पता है सभी फेज में क्या होगा, एरियल फ्यूज लगा रहेगा, सभी फेज में एरियल फ्यूज लगा रहेगा। किस प्रकार, अगर कंज्यूमर का भवन बहुमंजिला होगा तो हम आई लाइट बोर्ड का प्रयोग करके हम सीधे केबिल पहुंचा देंगे। यदि आपको याद रहे कि कंज्यूमर का ये भाई क्या है, केबल है, लिख दे रहा है, ये भी याद रहे कि कंज्यूमर यह नियम मेथड कब लगेगा, जब लोड 20 किलोवाट से कम रहेगा और दूरी 15 मीटर हो या 15 मीटर से कम होगी। यही चीज लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है करके चले जाते हैं, देखते हैं दूरी 15 मीटर से कम है या ज्यादा है, कभी ओवर लेके चले जाते हैं, दूरी तो देखे 15 मीटर से कम है और लोड देखे 20 किलोमीटर से ज्यादा है, फिर भी नहीं ध्यान दिए और ओवर करके आए, बाद में पता चला कि लोड ज्यादा था या अंडरग्राउंड जाना चाहिए था, ये आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ। तो हो गया हमारा केबिल ओवरहेड कब जाएगा। अब आइए जानते हैं कि अंडरग्राउंड कब जाएगा। तो हमने बताया जब लोड 20 किलोवाट से ज्यादा होगा तो अंडरग्राउंड हम केबिल लेके जाएंगे, वहां ओवरहेड नहीं लेके जाएंगे। लोड 20 किलोवाट से जब कम रहेगा तभी ओवरहेड जाएगा। तो चलिए मान ले रहा हूं ये हो गया धरातल, क्या है भाई धरातल, देखिए यहाँ मेरा हर एक फिगर बनाने का मेन पर्पज यह है कि फिगर जैसे जैसे बनेगा आपकी क्लियरिटी दूर हो, जो कंफ्यूजन है वह दूर होगा और सभी सामग्री आपको याद हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, मान ले रहे हैं एक कंज्यूमर का हो गया भवन, क्या है भाई कंज्यूमर का भवन है, ठीक, एक कंज्यूमर का हो गया भवन, यही मान ले रहे हैं कंज्यूमर का ये हो गया एनर्जी मीटर, भाई थोड़ा छोटा है इसको बड़ा कर देना है, ये कंज्यूमर का क्या है एनर्जी मीटर हो गया, ठीक। अब यहाँ हमको ये बताना है कि कंज्यूमर का अगर लोड 20 किलोवाट से ज्यादा हो, चाहे वह एक मंजिला वाला हो चाहे बहुमंजिला वाला हो, तो
सदैव वो अंडरग्राउंड ही जाएगा। अब यहां पे मान ले रहे हैं एलटी पोल है, एलटी मान लो पीसीसी पोल ही है, तो चलिए पीसीसी पोल हम यहां दिखा दे रहे हैं, ये हो गया पीसीसी पोल या आरसीसी पोल। ठीक, अब यहां पे ये आर फेस गया, वाई फेस गया, बी फेस गया, ये न्यूट्रल गया, ये है आर फेस, वाई फेस, बी फेस, ये है न्यूट्रल कम अर्धवाहक का। ठीक, अब ये तो भाई आप जान रहे हैं कि साइकिल इंसुलेटर पर है, साइकिल इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर दिखा दे रहे हैं, तो भाई यहाँ साइकिल इंसुलेटर है, यह हो गया साइकिल इंसुलेटर। ठीक, ये तो फेज वायर है, चलिए। ठीक, अब यहाँ पे अब जान लीजिए जब 20 वाट से जाता है तो अंडरग्राउंड केबल ले जाएंगे, अंडरग्राउंड केबल इसमें ये जान लीजिए इस साइड 2 मीटर जीआई पाइप आप ले लीजिए और इस साइड भी 2 मीटर जीआई पाइप लीजिए, जीआई पाइप के माध्यम से ही आपका अंडरग्राउंड केबल जाएगा। जैसे हम मान ले रहे हैं 2 मीटर का जीआई पाइप यहाँ ले ले रहे हैं और इस पर हम पहले हम एक एमएस चैनल ले लें। ठीक, ये एमएस चैनल है, ये पोल पे लगा है, क्लाइंट के द्वारा जुड़ा है। ठीक, अब एमएस चैनल पहले ले लेंगे, अभी बता रहे हैं क्यों लिया गया है। तो पहले हम यहाँ पे 2 मीटर ऊंचाई का जीआई पाइप लेंगे, तो यहाँ जीआई पाइप को हम इस प्रकार दिखा दे रहे हैं, ये मान लीजिए जीआई पाइप का ऊपरा भाग है, ऊपर वाला भाग है, और ये इस साइड हम इसको नीचे लेके चले आएंगे, ये हो गई हमारा जीआई पाइप। तो जीआई पाइप ऐसे जमीन तक रहेगा, ठीक, ऐसे 2 मीटर का जीआई पाइप पाइप यहाँ भी रहेगा, तो 2 मीटर का जीआई पाइप हम यहाँ भी ले रहे हैं, तो 2 मीटर का जीआई पाइप यहाँ भी ले लीजिए, ऐसे लेके सीधा यहाँ दीवार के पास रख दीजिए, यह हो गया 2 मीटर जीआई पाइप ऐसे। ठीक, अब थोड़ा भाई एनर्जी मीटर नीचे हो गया तो हम तो सही, ठीक है, एनर्जी मीटर नीचे होता है क्योंकि एनर्जी मीटर होता है, तो एनर्जी मीटर को हम स्पष्ट करने के लिए यहाँ दिखा दे रहे हैं, एनर्जी मीटर यहाँ है। ठीक, आविर्भूता का भवन है। अब क्या काम करिए कि भाई केबल पहले यहाँ से मान लीजिए केबल लेके जा रहे हैं जीआई पाइप के अंदर से होते हुए, ये जीआई पाइप के अंदर से केबल है जा रहा है, ये केबल ही है। ठीक, और फिर इस साइड से केबल निकलेगा जमीन के अंदर होते हुए, जमीन के अंदर से होते हुए ये केबल ऐसे सीधे होते हुए जाएगा इस जीआई पाइप में, ये जीआई पाइप जाएगा, अब इस जीआई पाइप से फिर केबल को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद यहाँ पर एक केबल बॉक्स लगा देंगे, क्या लगा देंगे, केबल बॉक्स, इसे हम केबल बॉक्स कह रहे हैं, ये है केबल बॉक्स है, और केबल बॉक्स से वायर निकलेगा सीधे चला जाएगा एनर्जी मीटर में, ऐसा हम चित्र दिखा रहे हैं। ठीक, ये क्या है भाई जीआई पाइप, ये क्या है जीआई पाइप, इसकी लंबाई है 2 मीटर, ये भी क्या है जीआई पाइप है, ये भी जीआई पाइप है, इसकी भी लंबाई क्या है 2 मीटर है, और केबल को थोड़ा क्रॉस से दिखा रहे हैं समझने के लिए, जिससे पता चल जाए ये क्या है भाई अंडरग्राउंड केबल है। आपको पहले दिन वीडियो में बताया गया था या दूसरे दिन बताया गया था, ये केबल हम डायरेक्ट मेथड द्वारा प्रयोग करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड का मतलब यह होगा कि भाई पहले हम जमीन में गड्ढा खोल देंगे। ठीक, गड्ढा खोलने के बाद उसमें पानी का लेयर बिछा देंगे, लेयर बिछाने के बाद उसमें केबल लग देंगे, केबल के ऊपर फिर बालू लग देंगे, फिर उसके बाद हम तो ढक देंगे, ढक देंगे। एक लोग क्वेश्चन कहते हैं सर बालू क्या बिछाते हैं, अगर बालू नहीं बिछाएंगे तो केबल पर मैकेनिकल दबाव पड़ेगा जिससे निचला वाला जो इंसुलेशन है या ऊपर का जो इंसुलेशन है मैकेनिकल डैमेज हो जाएगा और केबल शॉर्ट या ओपन फॉल कुछ भी हो सकता है, इसलिए बालू जब रहेगा तो बालू केबल धंस जाएगा, इससे मैकेनिकल दबाव नहीं होने पाएगा तो केबल कटेगी, इंसुलेशन खराब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जीआई पाइप हो गया, फिर उसके बाद ये एमएस एंगल है, ये क्या है एमएस चैनल का लीजिए, एमएस चैनल। ठीक, अब इस केबल बॉक्स वहाँ भी रहेगा, केबल बॉक्स यहाँ भी रहेगा, तो भाई यहाँ भी हम क्या करेंगे केबल बॉक्स ले लेंगे, ये केबल बॉक्स है, केबल बॉक्स हम इस तरह दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए केबल बॉक्स है, ये भी क्या है
टेबल बॉक्स ही है, ये टेबल बॉक्स है। अब यहां से हम क्या करेंगे, लग होता है, लग के द्वारा निकाला जाता है, चलिए लग नहीं दिखा रहे हैं, सीधे कनेक्शन दिखा रहे हैं। तो केबल का जहाँ ज्वाइंट किया जाता है उसे केबल लग जाता है, केबल ले लग की। अभी LTST लाइन पढ़ेंगे तो आप केबल लग के बारे में अच्छी प्रकार जानेंगे, केबल का ऐसे रहता है किनारे पर जैसे आईबोर्ड होता है। तो यहाँ पे केबल निकालेंगे आर पिच, ठीक, आर पिच कनेक्शन करिए, वाई पिच निकालेंगे, वाई पिच का कनेक्शन करिए, वाई पिच का कनेक्शन करिए, बी फेज निकालिए, बी फेज का कनेक्शन करिए, फिर न्यूट्रल निकालिए, न्यूट्रल कनेक्शन। तो आपको पता है सभी फेज में क्या रहेगा, एरियल फिक्स, तो सभी फेज में एरियल फिक्स, सभी फेज में एरियल फिक्स लगा दीजिए। इस प्रकार हमारा ये नियम कब लगेगा, ये तो जान है भाई, ये आपका आरसीसी पोल है या पीसीसी पोल होगा, चलिए आरसीसी मान ले रहे हैं, पोल है, ठीक। तो ये नियम कब लगेगा, अंडरग्राउंड केबल कब जाएगा, जब लोग 20 किलोवाट से ज्यादा होगा, दूरी कुछ भी हो, जब लोड 20 किलोवाट से ज्यादा होगा तब हम अंडरग्राउंड ले जाएंगे। अंडरग्राउंड जब ले जाएंगे तब हम ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और सभी सामग्रियों को हम लिखेंगे, ठीक। अब जैसे क्या है, जीआई का एग्जाम साथ कैसे खड़ी होगी, यहाँ पर ऊंचाई कैसे खड़ी होगी, तो हम कोर को टिकाने के लिए यहाँ पे लगा देंगे क्लैंप, जीआई पाइप क्लैंप, दो या तीन लगा देंगे जिससे जीआई पाइप टिकी रहे पोल के सारे और गिरे ना। ऐसे यहाँ भी हम क्लैंप लगा देंगे, तो क्लैंप लगा दें, चलने वाले दो लगा रहे, यहाँ पे एक लगा लगा देंगे जिससे हमारा जीआई पाइप गिरने ना पाए, ये बात समझ रहे। चलिए यहाँ तक हम जान गए, तो हमको ये समझ में आ गया कि भाई उपभोक्ता को सर्विस कनेक्शन कैसे दिया जाता है, कितने प्रकार से दिया जाता है, लोड कब कितना होगा। अगर लोड 20 किलोवाट से कम है तो हम ओवरहेड ले जाएंगे, लोड 20 किलोवाट से ज़्यादा होगा तो अंडरग्राउंड ले जाएंगे। अब आइए, कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को हम जानते हैं। जैसे नियम यह है जो अभी हम सब ने एक एक करके पढ़ा है सबके बारे में, तो भाई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के आधार पे, क्योंकि हम सब प्रैक्टिकल देखते हैं, जितना नियम पढ़ रहे हैं ये सब नियम लागू नहीं होता है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, लेकिन चूंकि हमको एग्जाम देना था नियम को जानना पड़ेगा है। तो नियम, पहला नियम यह है, आपको याद रहे कि जब उपभोक्ता का भवन एक मंजिला होगा ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम यह है, उपभोक्ता का भवन बहुमंजिला होगा तो हम छाती ब्रैकेट या आई बैकबोर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक। और उसके बाद यदि उपभोक्ता का लोड 20 किलोवाट से कम और पोल से उपभोक्ता के घर की दूरी, सॉरी पोल से, हाँ सही, पोल से उपभोक्ता के घर तक की दूरी 15 मीटर या 15 मीटर से कम है तो हम डायरेक्ट केबल लेके जाएंगे, जैसा कि चित्र में आपको भी दिखाया गया। उसके बाद अगर उपभोक्ता का लोड 20 किलोवाट से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 20 किलोवाट से ज़्यादा है, दूरी चाहे जो भी हो, तो हम डायरेक्ट न तो ओवरहेड ले जाएंगे न तो केबल ले जाएंगे, तो हम अंडरग्राउंड केबल ले जाके कंज्यूमर के घर तक सप्लाई पहुँचाएंगे। इसके बाद ये आता है कि यहाँ पे जो केबल का वायर, खुला वायर जो आता था छत तक, तो आपका डबल एसी कंडक्टर फेज वायर, डबल एसी कंडक्टर या फिर एसी एसआर कंडक्टर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हमारा यह है कि जो केबल होगा वह पीवीसी केबल प्रयुक्त किया जाएगा। इतने ये याद रखते क्या के नियम है। एक और नियम, सबसे बड़ा नियम यह है कि जैसे आप कोई ये क्वेश्चन करेगा कि सर जी मान लीजिए कंज्यूमर का भवन और पोल के बीच की दूरी ज्यादा हो, अधिक हो, 100 मीटर हो या 100 मीटर से ज्यादा हो या कम हो, तब हम क्या ओवरहेड से होते हुए वहां तक डायरेक्ट लेके आएंगे, नहीं भाई। जैसे आप लोग देख रहे थे, मान लीजिए मीटर यहाँ एंगल लगा के बताने बताया जा रहा, समझाने के लिए यहाँ एंगल लगा के हम सब क्या करते थे, जैसे पोल है यहाँ से कनेक्शन ले जाके हम सीधे पाइप में जोड़ कर यहाँ से फिर केबल जोड़ के लेके आते थे, यहाँ सब कनेक्शन कर दिया जाता था, ये तो बात है। लेकिन अब आप एक बात नोट कर लीजिए, क्या ये दूरी 100 मीटर से, जैसे मान लीजिए पोल भवन से 100 मीटर हो, 20 मीटर हो, 40 मीटर हो, 30 मीटर हो, तो ये निर्धारित तो दूरी होगी कि खुला वायर इतने तक ही आएगा, हाँ निर्धारित दूरी है,
या दूरी है, किसी किताब में 38 मीटर दिया, किसी में 40 मीटर, प्रैक्टिकल में तो अब तो चल रहा है 40 मीटर, और यहाँ पे एशियन पब्लिकेशन ने 38 मीटर दिया है। मान लीजिए हम उनकी बात ही मानते हैं, ध्यान से सुनिए, कि अगर कंज्यूमर के भवन से पोल की दूरी 38 मीटर है तब तो हम ओवरहेड से होते सीधे लेके जाएंगे कंज्यूमर के क्लाइंट उद्घाटन ब्रैकेट के पास पहुंचा देंगे। यदि दूरी 38 मीटर से ज्यादा हुई, किससे ज्यादा हुई 38, या दूरी 38 मीटर तक है तब तो हम उद्घाटन लेके जाएंगे जैसे जा रहा है। अगर ये दूरी 38 मीटर से ज्यादा हुई तो हम, जैसे मान लीजिए दूरी 38 से ज्यादा मान लीजिए 50 मीटर हो गया, तब ये जो एलटी पोल है और कंज्यूमर का जो मकान है उसके बीच एक पोल लगाएंगे, एक पोल लगाकर कनेक्शन पहले इस पोल पर दिया जाएगा, फिर उसके बाद तब ये जो खुला वाला वायर लेके आते हैं उसको तब इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। याद रखिए, क्योंकि अभी ये जो इस सत्र गुजरा है उसमें एक क्वेश्चन आया है या इसके पहले आया था कि 100 मीटर दूरी है और लोड 20 किलोवाट दिया था या इससे ज़्यादा दिया है दिया थे, तो उसमें कुछ लड़के गलती कर दिए थे जो पिछले वर्ष वाले थे। दूरी तो है 100 मीटर, नियम में यह है 38 मीटर से ज़्यादा तक एक पोल लगाना पड़ेगा, तो लड़के पोल नहीं लगाए हैं, तो पोल लगा के बाद चित्र में दिखाएं ना दिखाएं उसकी जरूरत नहीं है, आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि दूरी 38 मीटर से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे एक अतिरिक्त पोल लगाकर तब सर्विस कनेक्शन कंज्यूमर को दिया जाएगा। ये आगे कुछ नियम कानून थे तो आपको याद होने चाहिए। कभी कभी नियम भी पूछ लेता है, जैसा कि हम एक बार फिर रिप्लाई कर दे रहे हैं। पहला यह है कि भाई यहाँ पर जो सर्विस कनेक्शन किया जाएगा ये सिंगल मंजिला के लिए ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट का, बहु मंजिला के लिए क्षैतिज ब्रैकेट या आई बैक बोल्ट का, और यदि कंज्यूमर की दूरी 15 मीटर से कम है तो डायरेक्ट केबल ले जाएंगे, जब लोड 20 किलोवाट से ज़्यादा होगा तब अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन करेंगे। और यह भी बताया गया कि भाई यदि 38 मीटर से अधिक दूरी पर एलटी पोल होगा तो वहाँ पर हम बीच में एक अतिरिक्त पोल लगाकर पहले वहाँ तक सप्लाई ले आएंगे, फिर उसके बाद ओवरहेड ले जाके कंज्यूमर के घर तक पहुँचाया जाएगा। ओवरहेड भी हो सकता है, अंडरग्राउंड निर्भर करता है लोड पर। और यहाँ पर जो फेज वायर यूज करेंगे वो हमारा होगा एसीसी कंडक्टर या एसीएसआर कंडक्टर, और जो अर्थ वायर है वह 6 SWG का GI तार होगा, और जो स्टे वायर है वो बताया गया है कि 7/16 SWG का 16 SWG का GI तार होगा, जहाँ बताया गया इसे 7 तार है आपस में लिपटे हैं और एक तार की मोटाई 16 SWG है। फिर इसके बाद आइए समझते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया है कि भाई सर्विस कनेक्शन क्या है, सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार का होता है और सर्विस कनेक्शन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो भाई सर्विस कनेक्शन में सावधानियां यह है, पहले सर्विस कनेक्शन परिभाषा यह है कि भाई लाइन खंड का वह भाग जो एलटी पोल से सर्विस एलटी पोल से कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक जाता है वह सर्विस कनेक्शन कहलाता है। ये बात हो गई। अब सर्विस कनेक्शन आप संस्थापन आधार पर बताएंगे दो प्रकार का होता है, एक ओवरहेड और एक अंडरग्राउंड। ओवरहेड आप उसके बारे में वर्णन कर लेंगे। ओवरहेड दो प्रकार का है, मुख्यतः कई प्रकार के, लेकिन दो प्रकार के बारे में बताया, एक होगा ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट, एक होगा क्षैतिज ब्रैकेट, और एक है आपका आई लाइन बोल्ट, और एक क्या है विभागीय केबल कह लीजिए या डायरेक्ट केबल मेथड कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए आती है, आपको बताया गया कि ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट एक मंजिला के लिए, क्षैतिज ब्रैकेट बहुमंजिला के लिए, आई लाइन बोल्ट भी क्या होगा यह भी बहुमंजिला के प्रयोग, डायरेक्ट केबल क्या होता है जब दूरी 15 मीटर से कम होती है, 15 मीटर तक वो प्रयोग किया तो तब हम डायरेक्ट केबल मेथड प्रयोग करते हैं। अब अगला हमारा यह है, सब अगली बात आवाइए, हम ये जानते हैं कि इससे सावधानियाँ क्या है। सावधानियाँ यह है कि जितने फेज वायर हैं सब इंसुलेटर से पृथक होने चाहिए, ये हो गया। दूसरी सावधानियाँ है कि जो हमारा ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट हो चाहे क्षैतिज ब्रैकेट हो उसको हमको स्टे वायर से जोड़ना चाहिए, नहीं तो इसमें वायर में तनाव होने के कारण
ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट आगे की तरफ झुक सकता है, जिससे शॉर्ट सर्किट या ओपन फाल्ट हो सकता है। यह हो गया। फिर जो हमारा एमएस चैनल हो चाहे जीआई पाइप हो, वह दीवार में सीमेंट कंक्रीट या क्लाइंट द्वारा अच्छी प्रकार से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद हमारी ये सावधानी होनी चाहिए, जीआई जो तार है, जो अर्थवायर तार है, वह पोल से होता हुआ ग्राउंड होना चाहिए। और अर्थवायर जो है हमारा जितने मेटेलिक पार्ट है, एमएसपी और एल्टीमीटर का मेटेलिक पार्ट है, तो उससे वो जुड़ा होना चाहिए। ये सावधानियां हैं। तो आप सब चित्र जितना समझे हैं उसी के माध्यम से सावधानियां ले सकते हैं, प्रकार ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि भाई इस पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, उन न्यूमेरिकल को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको पूरे स्टेप के साथ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। भैया जो न्यूमेरिकल का पार्ट है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितना हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के बाद